हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा हमने पिछले वीडियो में फाइनली हमने डायमंड्स फाइंड किया, जो माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट मटेरियल है, हमने उसको फाइनली फाइंड किया। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ वो वाला वीडियो देखो, क्योंकि उसमें ना मैंने आप लोगों को सिंपल टिप्स बताया आप कैसे डायमंड्स को ईजी तरीके से फाइंड कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग को पिछले एपिसोड में पूरे के पूरे 5 डायमंड मिले थे। तो सबसे पहले हम एक पिकेक्स बनाएंगे और बाकी के 2 डायमंड से हम बनाएंगे एंचेंटमेंट टेबल, और हम अपने डायमंड पिकेक्स को फॉर्च्यून 3 पिकेक्स बनाएंगे और उसके बाद और भी ज़्यादा डायमंड्स हम खोजेंगे दोस्तों। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने इसी चेस्ट में डायमंड्स को रखा था, लेकिन अभी आप देख सकते हो इस चेस्ट में डायमंड जो है नहीं है। तो आप इधर देख सकते हो, इधर मैंने 2 दरवाजा लगाया और इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे 2 चेस्ट लगाया है, और ऊपर चेस्ट में आप देख सकते हो इधर पूरे के पूरे मैंने डायमंड जो है रखा है दोस्तों। मतलब मैंने इसको एक अलमारी टाइप का बनाया। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। और आप इधर देख सकते हो, इधर मैंने ट्रैप डोर लगाया, मतलब ट्रैप डोर लगाकर मैंने इसको कवर कर दिया पूरी तरीके से। आप भी इसको बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा पिछली बार हमने इसी डायरेक्शन से माइन किया और हमको डायमंड्स में पूरे के पूरे 5 डायमंड हम लोग को मिल चुके थे। तो उसके बाद मैंने इस डायरेक्शन से माइनिंग किया और आप देख सकते हो। तो तब क्या हुआ ना, तब रात हो रहा था, तो इसलिए मैंने और ज़्यादा माइनिंग किया था और मैंने इसी डायरेक्शन से माइन किया और मेरे को और भी ज़्यादा डायमंड्स मिले, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं अंदर जाकर आप लोगों को बताऊँगा। आप इधर देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ही माइनिंग किया, और आप इधर देख सकते हो इधर मेरे को थोड़ा सा कोल मिल गया था, तो इधर मैंने माइनिंग कर लिया पूरी तरीके से, कोल निकाल दिया। और थोड़ा सा माइनिंग करने के बाद आप देख सकते हो मेरे को पूरे के पूरे 8 ब्लॉक का डायमंड्स मिले हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ही माइनिंग किया और आप देख सकते हो पूरे के पूरे 8 ब्लॉक का मैंने डायमंड्स इधर फाइंड किया, और पूरा जो एरिया मैंने इसको क्लियर कर दिया आप देख सकते हो। लेकिन मैं अभी तक इस डायमंड्स को अभी तक मैंने इसको तोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैं फॉर्च्यून 3 पिकेक्स बनाऊंगा और उसके बाद मैं डायमंड्स को खोजूंगा। तो इसीलिए मैंने इसको अभी तक मतलब रखा है। जब मेरे को फॉर्च्यून 3 पिकेक्स मिल जाएगा, मतलब मैं जब फॉर्च्यून 3 पिकेक्स बना दूंगा ना, उसके बाद मैं इसको तोड़ूंगा, तब मेरे को ज़्यादा डायमंड्स मिलेंगे। तो तब तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अभी एक डायमंड का पिकेक्स बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं लगाऊंगा फॉर्च्यून 3 का एंचेंटमेंट लगाऊंगा, और उसके बाद इसको तोड़ूंगा और हमको ज़्यादा डायमंड्स मिलेंगे, मतलब डबल डायमंड्स मिलने की संभावना जो है बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे पास पूरे के पूरे 5 डायमंड है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक पिकेक्स बनाऊंगा, और पिकेक्स बनाने के बाद मैं एक एंचेंटमेंट टेबल भी बनाऊंगा दोस्तों। तो ये रहा मेरा क्राफ्टिंग टेबल। अभी मैं सबसे पहले एक पिकेक्स बनाऊंगा, आप जैसे कि इधर देख सकते हो पिकेक्स मैंने बना दिया दोस्तों। फाइनली हमने डायमंड का पिकेक्स बनाया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो हमने डायमंड का पिकेक्स बनाया। तो डायमंड पिकेक्स बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों, मतलब आयरन जो होता है ना उससे कई गुना ज़्यादा डायमंड पावरफुल होता है। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ एंचेंटमेंट टेबल, जैसे कि आप इधर देख सकते हो हमको एक किताब चाहिए और 2 डायमंड और पूरे के पूरे 4 ऑक्सीडियन ब्लॉक, इससे हमारा एंचेंटमेंट टेबल तो बन जाएगा। लेकिन अभी मैं सबसे पहले 2 डायमंड को इधर ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीडियन ब्लॉक नहीं है और मैं अभी तक बुक भी नहीं बनाया। तो बुक भी लेकर आना पड़ेगा और ऑक्सीडियन ब्लॉक भी लेकर आना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ हमारे पास ही है दोस्तों। तो सबसे पहले ऑक्सीडियन ब्लॉक तो हमारे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, हमारे विलेज के पास ही है, एक पोर्टल है, मतलब टूटा हुआ पोर्टल, हम उधर से क्या है ना ऑक्सीडियन ब्लॉक्स ले लेंगे, और उसके बाद हम पेपर लेंगे और सबसे पहले एक बुक बनाएंगे। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो अभी जो है ना रात हो रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं जाकर सोकर, अब उसके बाद मैं आप जैसे कि इधर देख सकते हो इधर पोर्टल है, उसके बाद मैं इधर आकर जितना ऑक्सीडन मिलता है उन सारा ऑक्सीडन को लेंगे और उसके बाद किताब बनाएंगे और उसके बाद एंचेंटमेंट टेबल बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैं सोकर उठ चुका, और आप इधर देख सकते हो हमारा जो शुगर कैन फॉर्म है ये भी थोड़ा सा उग रहा है दोस्तों, तो इसको उगने देते हैं। सबसे पहले मैं ऑक्सीडन ब्लॉक जो है कलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने हमको बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो उधर आपने देखा होगा, इधर मैंने एक बार मर गया था और उसके बाद मेरे को पहले से सारे सामान इकट्ठा करने पड़ा, हमने इधर लावा के ऊपर गिर गए थे। तो उधर क्या ना बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो गया था, मतलब हमारे के ऊपर अचानक एक जॉम्बी ने अटैक कर दिया और हमने लावा के ऊपर गिर गए थे, आप जैसे कि इधर देख सकते हो। तो उधर जितने भी हमारे सामान थे वो सारे सामान खो दिए हैं। तो इसलिए मेरे पास अभी डायमंड का पिकेक्स है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर इन सारे ऑक्सीडियन ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ इधर कोई जॉम्बी वगैरह है नहीं, तो जॉम्बी वगैरह तो है नहीं दोस्तों। और मैंने थोड़ा सा लावा को भी, मतलब जितना मेरे पास ब्लॉक्स थे उन सारे ब्लॉक्स को मैंने लावा को कवर करने के लिए रख दिया, आप जैसे कि देख सकते हो।
तो अभी क्या ना मैं जितना ऑक्सीडेंट ब्लॉक्स मिलते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन चार ही चाहिए तो चार ही ले लेते हैं। तो ऑक्सीडेंट ब्लॉक तोड़ने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायमंड पिकेक्स चाहिए होगा दोस्तों। अगर आप लोगों के पास आयरन पिकेक्स है तो उसके पास मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा एफिशिएंसी होना चाहिए, उसके बाद ही आप मतलब ऑक्सीडेंट ब्लॉक को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरे के पूरे चार ऑक्सीजन ब्लॉक को कलेक्ट करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है तोड़ने में। तो दोस्तों मैं उधर से पूरे के पूरे चार ऑक्सीजन ब्लॉक तो कलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसको तोड़ने में। अभी मेरे को शुगर कैन भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को बुक बनाना है, तो बुक बनाने के लिए हमको शुगर कैन चाहिए। तो मेरे को जितना मतलब शुगर कैन जो ज़्यादा होगा है उसको मैं हम ले लेते हैं। तो दोस्तों जो ज़्यादा शुगर कैन उगा है उसको मैंने उगने के लिए लगा दिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे के पूरे मैंने शुगर कैन जो है उगने के लिए लगा दिया, और तीन शुगर कैन भी मैंने ले लिया आप जैसे कि इधर देख सकते हो। तो अभी हमको चाहिए लेदर। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये भी एक टाइप का हॉर्स है दोस्तों, अगर इन लोगों को भी मारेगा ना तभी भी आपको जो है लेदर मिलेगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। जैसे ही मैंने इन लोगों को मारा मेरे को लेदर जो है मिल गया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो मेरे को बहुत सारा लेदर मिल गया शायद, अभी देखना पड़ेगा कितना लेदर जो है मेरे को मिला है। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे को पूरे तीन लेदर जो है मेरे को मिल गया है, लेकिन एक ही लेदर काफ़ी है मतलब एक बुक बनाने के लिए, और मैंने शुगर कैन भी ले लिया। तो सबसे पहले मैं जाकर एक बुक बनाने के बाद, तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो इधर पूरे का पूरे 26 लेदर मेरे पास था, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को मार दिया बेकार में ही। लेकिन कोई बात नहीं, लेदर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक किताब बनाऊंगा, तो किताब बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले पेपर बनाना पड़ेगा। तीन पेपर बनाने के बाद मैं एक किताब बनाऊंगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने तीन पेपर बना दिया। अभी किताब इस तरीके से बनता है, तो किताब भी मैंने बना लिया। तो दोस्तों जितना भी ज़रूरी सामान है मतलब एन्चेंटमेंट टेबल को बनाने के लिए जितना भी ज़रूरी सामान है उन सारों सामान को मैंने ले लिया। अभी मैं नीचे जाने पड़ेगा, मतलब मेरे को अंडरग्राउंड मैंने जो बेस बनाया माइनिंग का जो बेस बनाया उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उधर डायमंड्स को रखा है, तो उधर जाकर ही मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल को बना पाऊँगा। तो दोस्तों नीचे जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से नीचे मिलता हूँ। तो ये खोला अलमारी, और उसके बाद चेस्ट, और उसके बाद दो डायमंड्स मैंने ले लिया, और इसको अभी बंद कर देता हूँ। अभी ये रहा हमारा क्राफ्टिंग टेबल, अभी मैं बनाने वाला हूँ एन्चेंटमेंट टेबल, क्योंकि एन्चेंटमेंट टेबल से हम बहुत सारे कुछ सामान बना सकते हो दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एन्चेंट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा एन्चेंटमेंट टेबल। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने एन्चेंटमेंट टेबल जो है बना दिया, अभी इसको प्लेस करना बाकी है। तो अभी के लिए इसको इधर ही प्लेस कर देता हूं दोस्तों। तो ये क्या है ना, अभी उतना पावरफुल नहीं हुआ है इसको, मतलब जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को एफिशिएंसी 1 ही दे रहा और अनब्रेकिंग 1 दे रहा है दोस्तों। इसको क्या ना, इसको आसपास पूरी तरीके से हम लोगों को बुकशेल्फ रखना पड़ेगा, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और उसके बाद मेरे को फॉर्च्यून 3 पिकेक्स देगा दोस्तों। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले बुकशेल्फ बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुकशेल्फ बनाने के बाद ही ये क्या ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, और उसके बाद मेरे को फॉर्च्यून 3 पिकेक्स ये देगा दोस्तों। तो बुकशेल्फ बनाने के लिए हमको बहुत सारे बुक्स चाहिए होगा, और बुक्स बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा लेदर और बहुत ज़्यादा पेपर चाहिए होगा। मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूंगा बुकशेल्फ कैसा बनता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो दोस्तों यही है बुकशेल्फ। हम लोग को बुकशेल्फ बनाने के लिए पूरे के पूरे तीन किताब चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था तीन किताब चाहिए। तो आप लोगों को एक बुकशेल्फ बनाने के लिए तीन किताब चाहिए, और एक किताब बनाने के लिए आप लोगों को पूरे के पूरे तीन पेपर चाहिए, और साथ में आप लोगों को लेदर का भी ज़रूरत होगा दोस्तों। तो अभी क्या नहीं, ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ, हम लोगों को सबसे पहले इसके पास पूरी तरीके से बुकशेल्फ लगाने के बाद ही ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, और उसके बाद ही हम फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स जो है ना बना सकेंगे। तो अभी क्या है ना, मैं इस फॉर्च्यून 3 पिकेक्स को इधर ही रख देता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो, और आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और आप लोगों का ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो अगला वीडियो में मैं बुकशेल्फ बनाऊंगा, और उसके बाद हमारा जो डायमंड पिकेक्स है उसके ऊपर हम फॉर्च्यून 3 पिकेक्स बनाएंगे, मतलब फॉर्च्यून 3 के एन्चेंटमेंट लगाएंगे। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा।